आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़ और एक बार फिर से मैं अपना खास प्रोग्राम लेकर आपके सामने हाजिर हूं। क्या कहते हैं बिहार में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सुशासन की बात करते हैं, लेकिन जिस तरह से अभी हाल में भोजपुरी इंडस्ट्री के जाने माने स्टार खेसारी लाल यादव पर हमला हुआ है वो तो नीतीश सरकार के शासन और प्रशासन दोनों की धज्जियां उड़ा रहा है। क्यों मैं कह रही हूं, उनका वीडियो सुना मैंने लगभग 23 मिनट का है जो कि उन्होंने अपनी आपबीती बयां की है फेसबुक पर वीडियो के जरिए। बहुत सी बातों को सुना जिसमें सुधीर सिंह का जिक्र किया गया है जो कि राजपूत नेता है, जिन्होंने कहा है कि चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, तो वहां पर उन्होंने खेसारी पर कहा है कि वो चुनाव लड़ने नहीं देना चाहते इसीलिए वो राजनीति कर रहे हैं, अश्लीलता का आरोप लगाया है। तो वहीं खेसारी ने यह भी कहा है कि किस तरह से वहां पर लड़कियों के साथ छेड़छाड़ हुई, शासन और प्रशासन के लोग वहां पर लड़कियों के साथ छेड़खानी कर रहे थे और सब लोग चुपचाप खड़े थे। ये बिहार सरकार की बात बता रही हूँ, सुशासन की बात करते हैं हमारे नीतीश कुमार, लेकिन वही बिहारी जब गुजरात से भगाए गए तो कुछ नहीं कर पाए, सिर्फ खत लिखने के अलावा और सिर्फ फोन करने के अलावा कुछ नहीं कर पाए, और अमित शाह के साथ मिलकर 50-50 पर वहां पर रेशियो बना रहे हैं अगले साल लोकसभा चुनाव को लेकर। फिलहाल जिस तरह से उनकी नाक के तले भोजपुरी इंडस्ट्री के स्टार पर हमला हुआ है वो वाकई शर्मसार करने वाला है। जब एक स्टार की वहां पर कहीं कोई वैल्यू नहीं है, जान की कीमत वहां पर कहीं कुछ नहीं है, तो एक आम इंसान की जिंदगी की कीमत क्या होगी सुशासन कहने वाले नीतीश कुमार की शासन में। मेरे साथ मेरे सहयोगी काशिप अली मौजूद हैं। काशिप, सबसे पहले आप बताइए कितना सही था ये, और जिस तरह से खेसारी का मैंने पूरा वीडियो सुना है वो जिस तरह से रोए हैं उन पे ये आरोप लग रहा है कि उन्होंने अश्लीलता फैलाई है, दूसरा आरोप ये लग रहा है कि वो चुनाव लड़ना चाहते थे उससे रोकने के लिए कहीं ना कहीं उनको मारने की कोशिश की गई है। बिल्कुल, देखिए गायत्री जी, जिस तरीके का सबसे पहले हम ये देखें कि वो हमला हुआ है वो वाकई में निंदनीय है, ऐसा हमला नहीं होना चाहिए था। जिस तरीके से वो भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार हैं उन पर हमला होना, ये अपने आप में बिहार सरकार को कटघरे में खड़ा करता है कि भाई आपका प्रशासन, अगर कोई मान लीजिए कोई स्टार वहां पर स्टेज शो कर रहा है तो आखिर प्रशासन क्या कर रहा था, आखिर वो जो आए थे अपराधी जो हमला कर रहे थे वो आखिर क्या इतने खुले हुए थे, क्या उनको डर नहीं था शासन का, प्रशासन का, पुलिस का कोई भय नहीं था, आखिर वो एक सुपरस्टार पर हमला कर देते हैं और कोई भी सरकार इस पर एक्शन नहीं लेती है और सरकार का कोई भी इस पर बयान सामने नहीं आता है, तो यहाँ पर नीतीश सरकार खड़गरे में खड़ी होती है। दूसरी बात, जिस तरीके से हमेशा से बिहार को लेकर ये बात कहती रही है कि वहां पर अपराधियों का बोलबाला रहा है, तो ऐसे में अगर एक सुपरस्टार पर हमला होता है तो मुझे लगता है कि अपराधियों का वाकई में ही बोलबाला है। और वहां पर जिस तरीके की चीजें सामने आ रही है निकल कर के, राजनीति हो रही है, खेसारी लाल यादव को राजनीति में घसीटने की बात हो रही है या अश्लीलता के ऊपर बात की जा रही है कि भाई अश्लीलता परोसने इस वजह से हमला हुआ। देखिए अश्लीलता की बात जहां तक है तो भोजपुरी इंडस्ट्री में ये चीज तो देखने को मिलती है कि भाई अश्लीलता वहां पर परोसी जाती है, लेकिन क्या अश्लीलता बॉलीवुड में नहीं परोसी जाती? तो अगर सिर्फ अश्लीलता के नाम पर हम हिंसा करें और किसी पर हमला करें तो ये कहीं से भी जायज नहीं होता। लेकिन अभी हिंसा क्यों और अभी अश्लीलता क्यों? क्या भोजपुरी, जैसा आपने खुद ही कहा, भोजपुरी इंडस्ट्री में हमेशा अश्लीलता, बॉलीवुड भी इसका नमूना है, वहां पे देखिए कितनी अश्लीलता परोसी जाती है, लेकिन जब देखने वालों को आपत्ति नहीं है तो फिर करने वालों को आपत्ति क्यों नहीं होगी, क्यों होगी? वहां पे आप देखिए ना, वो सर्टिफिकेट देने वाली संस्था बैठी है वो क्यों दे देती है? फिर लोग देखने जाते हैं ना, क्यों इतनी कैची चलती फिर भी लोग देखने जाते हैं, बवाल लोग करते हैं। लेकिन सवाल ये बनता है, खेसारी ने अपने वीडियो में ये कहा है, मैं ही क्यों? क्या वही भोजपुरी इंडस्ट्री में इकलौता चेहरा है कि जिनके ऊपर हमला कराया गया? उन्होंने खुद बोला है कि मुझे, मेरी गाड़ी पे 200 पत्थर फेंके गए जिसमें से उनका शीशा नहीं बचा। वो खुद कह रहे कि मैं खेती बाड़ी से भाग भाग कर अपने घर पहुंचा हूं और मेरे बच्चे ना होते तो शायद आज मैं मर गया होता। सो उन्होंने खुद भी कहा है कि आपको मारना है तो मुझे मारिए, आइए मुझे मारिए, लेकिन मेरे जनता जो मेरे साथ है उनके साथ ऐसा मत करिए, क्योंकि उनके सामने ही कई लोगों को वहाँ डंडों से मारा गया है, किसी के सर फटे हैं, किसी का लहू, किसी का खून बहा है। लगातार इस तरह से, जिस तरह के ये आप सुशासन की बात करते हैं नीतीश कुमार जी, क्यों आखिर आपके ही काल में ऐसा क्यों हो रहा है? आपको जनता ने जिस तरह से चुना, आपके ही काल में जिस तरह से भोजपुरी स्टार पे हमला हुआ है वाकई आलोचना के लायक तो है ही, साथ ही साथ राजपूत नेता जिनकी सुधीर सिंह जिनका जिक्र किया जा रहा है, उनकी इतनी बड़ी हिम्मत कैसे हो गई कि उन्होंने उन पर हमला कर दिया? यानी कि उनको कहीं ना कहीं शय तो मिली है। बिल्कुल, देखिए इसमें शय का तो पूरा सामने निकल कर आ रहा है कि भाई देखिए अपराधी कभी कभी भी हमेशा से जो होते हैं अपराधी जो खुलकर आते हैं सामने, हमेशा उनको एक सपोर्ट होता है,
है, खास करके राजनीतिक उनको कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलता है, इसी तरीके की चीजें सामने आती हैं। और खास करके जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि वीडियो में उन्होंने बताया कि भाई वो खेत खेत से निकलकर भागे हैं, बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई है, अगर मान लीजिए 1% अगर कोई वाकई में बड़ी अनहोनी हो जाती तो उसका जवाबदेही किसकी बनती? क्या राज्य सरकार की जवाबदेही नहीं बनती है कि अपने वहां के अगर खेसारी लाल यादव कुछ अच्छा करते हैं, कुछ बड़ा करते हैं तो वाहवाही लूटी जाती है कि भाई बिहार के हैं और बिहार के एरिया ऐसा कर रहे हैं। अब जब उन पर हमला हुआ है तो चुप्पी साध है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं राज्य सरकार इसके लिए मामले को घटे हुए भी कम से कम 2 दिन हो गए, लेकिन नीतीश सरकार की तरफ से अभी फिलहाल मैंने जितना देखा है उतना तो उन्होंने अभी तक कोई बयान नहीं दिया है। तो सोचिए वहां पर वो क्या भोजपुर इंडस्ट्री से उनको टैक्स नहीं आता, क्या उनको पैसा नहीं आता वहां से, क्या बिहार का नाम इस तरह से बदनाम होगा? बीमारों में तो पहले से शामिल बिहार, और वहां पर भोजपुर स्टार पर इस तरह से हमला हो रहा है। बिहार को वैसे भी कहीं ना कहीं एक निचले दर्जे पर देखा जाता है, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये आप किसी से बात करिए, ऑफ कैमरा बात करिए, लोग बिहार के लोगों के बारे में किस तरह से बात करते हैं। गुजरात इसका ताजा उदाहरण है जहां पे बिहारियों के साथ इतना गलत व्यवहार किया गया, हालांकि उसकी निंदा हम भी करते हैं। आखिर इसकी जिम्मेदार कौन है? क्या बिहार में जो सरकार आई, चाहे लालू प्रसाद यादव हो और चाहे नीतीश कुमार हो, जो उससे पूर्ववर्ती सरकार, क्या उनकी जिम्मेदारी बनती कि वो बिहारियों के दर्द को समझे? क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि बिहारियों को रोजगार दें? क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि जो वहां से महिलाएं जो मजदूरी करने के लिए दिल्ली मुंबई जाती हैं, क्या उनका दर्द को समझें? क्या कर रहे हैं आखिर नीतीश और क्या क्या लालू प्रसाद यादव ने? हर कोई सिर्फ सिंपथी जताता है, दुख जताता है, दर्द जताता है, लेकिन शायद कोई कुछ करता नहीं है। अगर आज नीतीश कुमार ने बिहार के लिए कुछ कर दिया होता, जो कि पढ़े लिखे मुख्यमंत्री हैं बिहार के, तो शायद आज बिहार के लोग वहां से बाहर रोजगार की तलाश में नहीं जाते, और शायद आज वहां पे बाहुबलियों का और सिर्फ अश्लीलता के नाम पर खेसारी लाल के ऊपर हमला नहीं होता। बिल्कुल गायत्री जी, देखिए बिहार के साथ एक बड़ी जो दिक्कत ये रही है कि बिहार हमेशा से राजनीतिक जो है वो छलावों में आता रहा है, हमेशा से किसी ना किसी तरीके से हर कोई राजनीतिक पार्टी, हम यही नहीं कहेंगे कि भाई अगर नीतीश कुमार ही जिम्मेदार है, बिहार का एक इतिहास रहा है कि भाई हमेशा से बिहार को जो है वो लूटा गया है, उसको राजनीतिक उसके साथ धोखा किया गया, और मुझे लगता है कि बिहार को हमेशा से उसका नुकसान हुआ है, बिहार की जनता को इसका नुकसान हुआ है। जिस तरीके से आज अभी हमने देखा कि गुजरात में जिस तरीके से बिहार के लोगों पर हमला हुआ और जिस तरीके से लोगों को वहां से भगाया गया, उसके बावजूद भी बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। काशिप, वीडियो में खेसारी कह रहे हैं कि क्या मैं यादव हूं तो क्या मेरी गलती है, मैं गरीब परिवार का बेटा हूं क्या मेरी गलती है, मैंने लिट्टी चोखा बेचा तब तो आपने कुछ नहीं किया, ये सुधीर सिंह को बोल रहे हैं, मैंने लिट्टी चोखा बेचा, मैंने अपने दम पर सरकार दम पे वहां पे काम किया। उन्होंने ये भी बोला है कि मैंने अपने दम पे 50 MP तैयार कर रखे हैं, चाहूं तो मैं चुनाव लड़ सकता हूं लेकिन मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, महाराजगंज आपका है, आप चुनाव लड़िए, लेकिन प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करिए, मेरे जो चाहने वाले उनके साथ ऐसा मत करिए, क्योंकि उनकी वजह से मैं आज बना हूं, जो हूं मैं जनता की वजह से हूं, तो उन जनता को मैं, जनता आपको सबक सिखाएगी, ये भी कहा है उन्होंने सुधीर सिंह को। वैसे सुधीर सिंह का इतिहास अगर बयां करूं तो वो लगातार धमकियां दे चुके हैं, लेकिन सिर्फ खेसारी क्यों, ये सवाल लगातार उठ रहा है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके की आप बात बता रही हैं कि भाई उन्होंने कहा है कि भाई जो है वो राजनीति से उनका कोई मतलब नहीं है और चाहे वो इससे कोई, जिस तरीके की उन्होंने बातें की हैं, देखिए यहाँ पर मैं मानता हूँ कि राजनीति तो बिल्कुल हो रही है, जिस तरीके से हमला हुआ है, जिस तरीके से एक पूरा राजनीतिक, मैं इसको हमला मानता हूँ, कहीं ना कहीं इसमें राज्य सरकार की खामोशी बहुत बड़े सवाल खड़े करती है कि आखिर वो खेसारी से डर क्यों रही है, आखिर खेसारी लाल यादव और जिस तरीके से, हालांकि इसमें मैं खेसारी लाल यादव के साथ भी थोड़ा सा नहीं खड़ा हूँ, जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि भाई मैं यादव हूं, देखिए ये जिस तरीके की जाति बात की जा रही है, जाति को लेकर बातें की जा रही है, तो मुझे लगता है राजनीति से प्रेरित बातें हैं कि भाई आप जो है अपना नाम यादव अगर करेंगे तो आपके साथ यादव जो है लोग जुड़ जाएंगे, तो मुझे लगता है ये सारी बातें पूरी राजनीति से प्रेरित हैं और कहीं ना कहीं पूरी राजनीति इसमें नजर आ रही है। तो इसमें अब लगना चाहिए कि राज्य सरकार को पहले तो सबसे पहले कि इस पुख्ता करना चाहिए कि भाई उनकी जान पर अगर कोई हमला इस तरीके का आगे होता है उसको कैसे रोका जाए और किस तरीके खेसारी लाल यादव पर आगे कोई भी ऐसी घटना सामने ना पाए। काशिप, उन्होंने वीडियो में यह भी कहा है कि मैं नीतीश सरकार से ये उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि ये वो मुझे सिक्योरिटी दें और आइंदा से ऐसा कुछ भी ना हो, लेकिन कुल मिलाकर अभी फिलहाल नीतीश कुमार की तरफ से कोई इस पर बयान सामने नहीं आया। लेकिन हाँ, उन्होंने एक और बात कही है कि उन पर उन्होंने एक बिहार में एक परिवार था जिसके बच्चों ने पिता खो दिया था, तो वहाँ पर पहुँचे थे, मुंबई से पहुँचे थे बिहार स्पेशली, और उन्होंने बच्चों को गोद लिया। अब उस पर राजपूत नेता सुधीर सिंह उन पर आरोप लगाते हैं कि वो राजनीति कर रहे हैं क्योंकि उन्हें चुनाव लड़ना है। तो ऐसे में उस दौरान का वीडियो सामने आया था और वीडियो में उन्होंने कहा था कि अगर कोई नेता और नेता जिनकी वजह से वो बने हैं जनता की वजह से, अगर जनता का साथ नहीं देते हैं तो उनको वोट देना बंद करिए और उनकी फिल्में देखना बंद करिए। मतलब क्या था? और वैसे भी कहा जाता है कि खेसारी जो है नीतीश कुमार को पसंद नहीं करते हैं। बिल्कुल, देखिए बिल्कुल जिस तरीके से उन्होंने कहा है, गायत्री जी मैं बार बार इस बात के इसलिए दोहरा रहा हूं कि देखिए ये राजनीति इसमें दोनों तरफ हो रही है, खेसारी लाल यादव भी कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं राजनीति करने का, और राजनीति उधर से भी हो रही है। अब जिस तरीके से जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, खास करके लोकसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, ऐसे ऐसे अब राजनीति
राजनीति हर किसी तरफ से नजर आई है। अब हमारा अब इसमें कोई शुभ नहीं है कि बॉलीवुड हो या फिर भोजपुरी इंडस्ट्री हो, अब मुझे लगता है कि बॉलीवुड के बाद भोजपुरी इंडस्ट्री के लोग भी राजनीति। काशिप खेसारी जो थे वो शहीदों के कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। हम ये नहीं कह रहे कि अश्लीलता होती या नहीं होती, वो सब जानते होती है, वो तो पर्दे पे दिखती भी है, लेकिन वो शहीदों के कार्यक्रम में शामिल होने गए थे तो फिर वहां पे हमला करने का मतलब क्या था? पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जिस तरह से वीडियो में वो खुद को लिट्टी चोखा, मैं गरीब परिवार का बेटा हूँ, मुझे जनता ने बहुत प्यार किया, जनता के लिए उन्होंने प्यार लुटा दिया, फिर कहा मैं यादव परिवार हूँ तो क्या मेरी गलती है, मैं यादव परिवार से मैं यादव हूँ तो क्या मेरी गलती। तीसरा सवाल ये है, क्या जिस तरह से खेसारी पर हमला हुआ है, अगर चाहने वालों ने ठान लिया तो इस बार नीतीश सरकार को आगामी लोकसभा चुनाव में भुगतान करना पड़ेगा, और इसकी वजह से बीजेपी की भी लुटिया डूबनी बिल्कुल तय है। क्या लगता है, वाकई खेसारी ले डूबेंगे नीतीश की? देखिए गायत्री जी, मैं हमेशा से बात बोलूंगा तो फिर आप कहेंगे कि आप जो है विरोध कर रहे हैं। देखिए देश के जो प्रधान सेवक हैं वो भी यही बात कहते हुए राजनीति में आए थे कि मैं एक चाय बेचने वाला हूं और मैं एक बहुत गरीब परिवार से हूं, और देखिए जो है वो गरीब परिवार के आज प्रधानमंत्री हैं और क्या क्या वो कर रहे हैं वो सबके सामने। ऐसे ही मुझे लगता है कि उनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रेरित होकर खेसारी लाल यादव भी आरोप लगा रहे हैं कि वो मतलब कि कहीं ना कहीं राजनीति कर रहे हैं यादव का नाम लेकर और गरीब का नाम लेकर। बिल्कुल, देखिए इसमें तो साफ तौर पर नजर आ रहा है कि भाई अगर आप पर हमला हुआ है ये बिल्कुल गलत है, लेकिन इस पर ये बात कहना कि मैं यादव हूं, मैं गरीब परिवार से हूं और मैंने लिट्टी चोखा बेचा है, तो ये कहीं ना कहीं मुझे राजनीति नजर आ रही है। आपको ये बातों का सहारा लेने की आखिर जरूरत चुनाव से पहले क्यों पड़ रही है? आप खेसारी लाल यादव हैं तो पूरा बिहार पूरा देश जानता है, लेकिन आप गरीब परिवार से हैं, लिट्टी चोखा बेचते थे, इमोशंस हो गए, भावुक हो गए, निकल गए इमोशंस। बिल्कुल, ये इमोशंस तो हमेशा से हम देखते आ रहे हैं 2014 से, नेता तो चुनाव के समय इमोशंस निकालते हैं। बिल्कुल 2014 से हम देखते आ रहे हैं देश के प्रधान 2014 से, क्यों पहले से देखिए ना, अमेठी और बरेली में भी बहुत इमोशंस लगते हैं, तभी आज वहां पे सांसद राहुल गांधी हैं। बिल्कुल, लेकिन कभी कभी कांग्रेस भी इमोशंस पे बहुत खेलती है, चाय बेची और मैंने लिट्टी चोखा बेचा, तो ये मुझे लगता है कि ये सब चीजें, हर इंसान का एक स्ट्रगल होता है, हर इंसान का एक, लेकिन उस स्ट्रगल को आदमी जो है वो राजनीति से जोड़ दे, उसको अपनी राजनीति में इस्तेमाल करे। जो भी है काशिप, मैं आपके एक बात से इत्तेफाक रखूंगी, ना मैं खिलाफ हूँ खेसारी के, ना मैं नीतीश के साथ हूँ, लेकिन कुल मिलाकर जो वीडियो मैंने नोटिस किया, वीडियो में कहीं ना कहीं उनके कुछ ऐसे अल्फाज थे जिसपे कहीं ना कहीं सियासत मुझे साफ नजर आ रही थी। निस्संदेह सुधीर सिंह जो है वो तो कटघरे में खड़े हो ही गए हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी वो तो फिलहाल देखना होगा, लेकिन जिस तरह से खेसारी ये कह रहे हैं कि गरीब परिवार का बेटा हूं, यादव परिवार से हूं, मेरी गलती क्या है, राजपूतों ने मेरे को निशाना बनाया, फिर राजपूत के लिए हमदर्दी भी व्यक्त करते हैं, मैं सारे राजपूतों को नहीं कह रहा, फिर जनता से कहते हैं कि जनता ने मुझे बनाया है, अब जनता ही जवाब देगी, जनता ही जवाब देगी, ये खेसारी ने बोला है, तो क्या लगता है कि आगामी दिनों में अगर यहाँ पर सियासी पासा पलटा तो खेसारी चुनावी मैदान में खड़े हो सकते हैं, इसका पूरा फायदा उन्हें मिल सकता है? बिल्कुल, देखिए गायत्री जी, मैंने बहुत दो बातें जो कही, एक तो थी जो उन्होंने अपनी ये कहा कि मैं यादव परिवार से हूँ, मैंने लिट्टी चोखा बेचा है, और तीसरी जो इन्होंने बात कही, जो आपने खुद अपने मुंह से कही कि भाई इन्होंने कहा है कि जनता इसका जवाब देगी, जनता कैसे जवाब देगी, जनता वोट करके जवाब देगी। अब जाहिर सी बात है कि वोट क्या मिलेगा जब इनको चुनाव में टिकट मिलेगा, तो ऐसे मुझे लगता है खेसारी लाल यादव पूरी तरह से अब राजनीति में आने के लिए तैयार है, और जिस तरीके की एक स्टार को बुना रहे हैं, बिल्कुल घटना को बुना रहे हैं, बिल्कुल भोजपुरी एक स्टार है, वो स्टार के तरीके से अपने कलाकार के तौर पर बात करते हैं, ना कि मैंने लिट्टी चोखा बेचा है, मैंने बोला है कि नहीं, किसी कलाकार की जाति धर्म नहीं होता, हालांकि पहले यादव बोल रहे, फिर कहते जाति धर्म नहीं होता। बिल्कुल, देखिए डिप्लोमेटिक डिप्लोमेटिक आप बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आप बेहतर राजनेता बनने की अब उस जो है वो नदी में चलिए, आपने राजनेता बना भी दिया, तो क्या लगता है कि अगर वो चुनाव लड़ते भी तो जीत जाएंगे? पहली बात तो ये, और क्या वाकई से नीतीश सरकार को हानि हो गई? तीसरी बात ये कि जिन्होंने उन पर हमला कराया है, क्या अब वो सही साबित हो जाएंगे अगर खेसारी चुनावी मैदान में खड़े होते हैं तो? नहीं, देखिए कुछ ना कुछ तो बात है जिसकी वजह से जो है वो उनके जो विरोधी हैं वो डर रहे हैं कि अगर खेसारी लाल यादव 1% राजनीति में आ भी जाते हैं, ये अभी तो हम कयास लगा रहे हैं, अभी तो हालांकि उनका कोई इरादा नहीं है, लेकिन मान लीजिए अगर राजनीति में आते हैं तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है खेसारी लाल यादव बेहतर प्रदर्शन करेंगे। तो फिर सुधीर सिंह ने जो हमला कराया है, जो अश्लीलता की बात कर रहे हैं, सुधीर सिंह फिर कहां पे खड़े होंगे ये बताइए आप? देखिए सुधीर सिंह तो जाहिर सी बात है कि उन्हें कुछ ना कुछ सुधीर सिंह को डर लग रहा है कि अगर डर लगता तो वो खेसारी को मारते, वो खेसारी के ऊपर हमला करते, अगर डर लगता तो ये बताइए जरा। थोड़ा सा आदमी राजनीति में तो थोड़ा सा घबराहट होती है, छटपटाहट होती है, तो वो अपने विरोधियों पर या तो हमले करता है या फिर इस तरीके की बयानबाजी करता है, तो मुझे लगता है कि जिस तरीके का उन्होंने रास्ता चुना है विरोध हमला करने का, ये गलत है। लेकिन हमेशा से मैंने जब ये पूरा घटनाक्रम पढ़ा तो मुझे एक ही चीज याद आई, जितना मैंने राजनीति को अभी तक फिलहाल समझा है इस उम्र तक, कि जब भी कहते हैं ना कि बदनाम हुए तो नाम नहीं,
हुआ। स्वाति सिंह का जिक्र कर लेते थोड़ा सा, जो कि वहां से विधायक हैं सरोजनी नगर से, जिनके पति ने बोला था मायावती को उल्टा सीधा, क्या हुआ उसके बाद बीजेपी ने टिकट कर दिया। इसके अलावा कई नेता और कई ऐसे मंत्री हैं जो कि जिनका नाम आज तक किसी ने सुना नहीं होगा, लेकिन विवादों में आए, टिकट मिला और जीत भी गए। तो शायद ये भी इसी का एक उदाहरण हो सकता है। हालांकि खेसारी का नाम तो हर कोई जानता है, लेकिन सुधीर सिंह का नाम शायद इतना कोई नहीं जानता था जितना अब चर्चाओं में आ गया है। हाँ बिल्कुल, खेसारी लाल यादव से ज्यादा सुधीर सिंह का नाम अब ज्यादा चर्चाओं में अब लोग देख रहे हैं कि भाई सुधीर सिंह आखिर है कौन। तो अब मुझे लगता है कि दोनों ही तरफ, मैं शुरुआत में कहा था प्रोग्राम, राजनीति हो रही है, राजनीतिक फायदा, बिल्कुल यादव वर्सेस राजपूत, ये राजनीति शुरुआत एक बिहार में एक अलग राजनीति रूप देने की कोशिश की जा रही है। और मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में 2019 के चुनाव में ये देखने का बड़ा दिलचस्प जी देखने को तो मिलेगा। लेकिन कुल मिलाकर देखना होगा कि खेसारी लाल यादव क्या वाकई चुनावी मैदान में खड़े होते हैं। वीडियो को तो जितना मैंने देखा है फिलहाल, उसमें तो वो कहीं ना कहीं कुछ तो राजनीति भी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं वाकई गलत भी हुआ है कि इस पर शासन प्रशासन ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है या इतनी सख्त कार्रवाई अभी नहीं की है जिस पर कुछ सबक मिल सके। क्योंकि अगर वहां पे सब कुछ छोड़ दीजिए, अगर भोजपुरी स्टार पे हमला हो रहा है तो फिर एक आम जनता पर हमले की जवाबदेही कौन देगा। बिहार इस वक्त कई संगीन मामलों को लेकर लगातार चर्चाओं में आ रहा है और ऐसे में खेसारी लाल पर हमला वाकई नीतीश सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है। और निस्संदेह अब इस मसले पर राजनीति आगामी दिनों में होगी, जैसे गुजरात से बढ़ा गए बिहारियों पर हुई थी, अब इस मामले ने भी सियासी तूल लिया है। देखना होगा शासन प्रशासन के साथ नीतीश कुमार क्या फैसला लेते हैं और साथ ही ये देखना होगा खेसारी जो कह रहे हैं कि वो चुनाव उनाव नहीं, उन्होंने अपने वीडियो में एक बार नहीं, उन्होंने 3 से 4 बार ये बात दोहराई है, जनता जवाब देगी, मैं चुनाव लड़ना नहीं चाहता हूं, मैं चाहूं तो 50 MP मेरे पक्ष में है। क्या कहने का मतलब है? इसका मतलब शायद आप जनता है, जनार्दन है, दर्शकों आप खुद समझिए और आप बताइए हमें कमेंट बॉक्स के जरिए, क्या वाकई खेसारी राजनीति कर रहे हैं या खेसारी का दर्द बिल्कुल सही है? बताइए हमें कमेंट बॉक्स के जरिए। नमस्कार।